नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष देसी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, वैसे तो हमने सोचे थे कि कुछ स्पेशल कुछ बनाया जाए, लेकिन दोस्तों भूख भी बहुत तेजी से लग रही थी, तो सोचे कि कुछ झटपट से फटाफट से बनने वाला रेसिपी बनाया जाए। तो आज हम दोस्तों बनाएंगे रोटी, लेकिन वो भी बहुत यूनिक तरीके से। तो आइए दोस्तों बनाना देखते। तो आटा हमको कितना लेना है, तो ये देखिए हमने इस कटोरी से 3 कटोरी आटा लिए हैं, ये सिंपल गेहूं का आटा है। अब हम क्या डालेंगे दोस्तों, ये देखिए इस चम्मच से हमने 3 चम्मच बेसन लिए हैं, तो इसको भी हम डाल देंगे। अब इस रोटी को हमको नरम बनाने के लिए हमें क्या डालना है, तो ये देखिए हमने रिफाइंड ऑयल लिए हैं, तो इसको हम ज्यादा नहीं 2 चम्मच सिर्फ डाल देंगे। इससे क्या होगा, बहुत अच्छी रोटी जो है नरम नरम बनेगी। तेल डालकर हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए हमने आटे को अच्छे तरह से तेल डालकर मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच मंगरेल, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच भर के सफेद तिल, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच भर के चाट मसाला। अब हमने लिए हैं, ये देखिए हमने 2 मीडियम साइज के प्याज को इस तरह से बारीक काट लिए हैं, 5-6 हरी मिर्च को इस तरह से बारीक काटे हैं, थोड़े से हरे धनिया के पत्ते लिए हैं, इसको भी हम डाल देंगे। तो सारे चीजों को हम डाल देते हैं इसी में। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, इन सारे चीजों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमने सारे चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें जरूरत अनुसार पानी डालेंगे। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट आटा लगा लेंगे, ना ही ज्यादा सख्त और ना ही ज्यादा हार्ड। तो ये देखिए दोस्तों हमने आटे को गूंथकर तैयार कर लिए। तो अब हम दोस्तों इस आटे को 10 मिनट के लिए ढककर रेस्ट पर रखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमारे आटे को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों हमने गैस जला दिए हैं, इसमें एक तवा रख देंगे। तो ये देखिए हमने सूखा आटा ले लिए हैं परखन के लिए। अब हम एक छोटा सा लोई लेंगे और जैसे आप नॉर्मल रोटी बनाते हैं बस दोस्तों वैसे ही बेल लेना है। तो ये देखिए दोस्तों एक रोटी को हम बेल लिए हैं, अब हम इसको सीधे तवे पर डालेंगे। तो रोटी एक तरफ से थोड़ी सिक गई है तो इसको हमने पलट दिए हैं, और दूसरे तरफ से भी हमारी रोटी सिक गई है तो इसको भी हमने पलट दिए हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसको रोटी पर चारों तरफ से लगा देंगे। एक साइड से हमने लगा दिए, अब हम दूसरे साइड से लगाएंगे। तो ये देखिए उलटते पलटते हुए हम रोटी को सेक लिए हैं, तो हमारा एक रोटी तैयार है। तो इसी तरीके से दोस्तों हम बाकी के भी पराठे बना लेते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, बातों ही बातों में हमारे सारे पराठे बनकर तैयार हो। तो अब हम इस पराठे को भी उतार लेते हैं। और ये लीजिए दोस्तों हमारा गर्मा गर्म प्याज का पराठा बनकर तैयार है। तो हमने इसको सर्व किए हैं चाय के साथ और अचार के साथ।